नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए नई अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, टोटल आपके जो 8,000 पद थे उनमें से अब 4,438 पदों पर दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। सितंबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं। कब एग्जाम होगी, बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया है, सिलेबस क्या है दोस्तों, परीक्षा पैटर्न, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, यानी कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना अनिवार्य है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान पुलिस की या फिर जो राजस्थान की नई वैकेंसी आती हैं उनकी भी आपको अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका टोटल दोस्तों राजस्थान में जो पद निकाले गए थे वो 8,438 पद थे। इनमें से 4,438 पदों पर आपकी जो भर्ती है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। ये आप देख सकते हैं पूरी खबर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सितंबर से शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, सितंबर से आपके आवेदन भरे जाएंगे। डेट अभी नहीं आई है लेकिन सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो कि इसका बेरोजगारों का अभ्यर्थियों का लंबे समय से इंतजार था कि पुलिस की भर्ती निकले, तो अब आपकी भर्ती फाइनली निकल गई है दोस्तों। और 8,438 पद गृह विभाग के प्रस्तावित पर मंजूरी दी गई थी और इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो 4,438 पद हैं उनके लिए जो यह देख सकते हैं एलपी पंत के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नोटिफिक जो है ट्वीट किया गया है। ये देख सकते हैं, राजस्थान में होंगी 4,438 कांस्टेबल भर्ती आवेदन सितंबर में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्वीट कर दिया। एलपी पंत, अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया था कि 8,438 पदों पर भर्ती जो है राजस्थान में होने वाली है 2 वर्षों में, यानी कि इस वर्ष आपकी 2021 में 4,438 पदों पर और बाकी के जो पद बचते हैं दोस्तों उनकी दोस्तों 2022 में भर्ती करा ली जाएगी। तो लगातार 2 साल आपके लिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पुलिस की भर्ती रहने वाली है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। राजस्थान पुलिस की अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों क्वालिफिकेशन की, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो 10वीं पास होना चाहिए आपके पास, 10वीं और 12वीं, ये आपके लिए दोस्तों मार्कशीट होना अनिवार्य रहती है। और MBCBS के लिए 8वीं वर्ष, यानी कि अगर आप RSC से बनना चाहते हैं तो 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों की जो भर्ती है वो एग्जाम कब डेट का आ सकती है। तो एग्जाम दोस्तों जनवरी में आयोजित होने की अपडेट है अगर कोरोना नहीं आता है। तो उम्र सीमा की बात करूँ तो 18 से 23, 18 से 26 जो है अलग अलग जो पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर दोस्तों आपकी उम्र सीमा रहती है कि आप कौन से में जो है RSC में भरना चाहते हैं या फिर कॉन्स्टेबल में, सामान्य कॉन्स्टेबल में। तो उसके हिसाब से दोस्तों आपके फॉर्म की 20 बार, तो यहाँ पर फॉर्म की जो फीस है दोस्तों 400 से 350 के आसपास रहती है, ये आपकी फीस है दोस्तों। और सिलेबस के लेकर मैं अलग से वीडियो दोस्तों आपके लिए डाल दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टोटल पदों की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पड़ते हैं और जो जनरल एरिया में आते हैं उसमें से जनरल कैटेगरी के 1,036, EWS के 290 और OBC के 648 हैं, MBC के 140 हैं और SC के 506 हैं, ST के 430 हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के सबसे ज़्यादा पद हैं। कांस्टेबल ड्राइवर में भी दोस्तों जनरल कैटेगरी के सबसे ज़्यादा पद हैं और OBC की बात करूँ तो OBC में ओनली 65 पद हैं अगर आप ड्राइवर से देना चाहते हैं। तो ये आपके लिए दोस्तों अपडेट आ चुकी है, जल्द ही आपका जो है नोटिफिकेशन जारी होकर ऑनलाइन फॉर्म आपके सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा या अपडेट आएगी राजस्थान पुलिस को लेकर मैं आके आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।